जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम ले रहे हैं शॉर्ट कंपोजिशन का जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो कि 7 नंबर का मास इसमें कवर करता है। हमने पढ़ा था रिपोर्ट राइटिंग के साथ साथ में ये सवाल भी आता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, यानी जो 7 नंबर मार्क्स हैं उसके अंदर है वो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन और रिपोर्ट राइटिंग दोनों आते हैं। रिपोर्ट राइटिंग को हमने पढ़ लिया था और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन की भी हमने एक क्लास में इसको पढ़ लिया था। आज हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। टॉपिक है हमारे पास में हाउ टू यूज ATM। बच्चों देखिए, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है वो कई विषयों पर है वो पूछा जा सकता है, जैसे कि हमने पिछली क्लास के अंदर है वो चर्चा की थी, पर्सन के ऊपर पूछा जा सकता है, किसी व्यक्ति के ऊपर, प्लेस किसी जगह या स्थान के ऊपर, इवेंट किसी एक्टिविटी किसी प्रोग्राम के ऊपर। आज जो ये हमारा चल रहा है जो टॉपिक है वो है हाउ टू यूज ATM। ये एक प्रकार का प्रोसेस है, इसको क्या कहेंगे, एक प्रकार का प्रोसेस। पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इसको हम प्रोसेस की कैटेगरी में हम रखते हैं, यानी जिसके अंदर हमें किसी काम के होने की प्रोसेस बतानी होती है, प्रक्रिया बतानी होती है। जैसे इस प्रकार के प्रोसेस से बहुत सारे इस प्रकार के जो टॉपिक बनते हैं, जैसे आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि स्कूल के अंदर है वो एडमिशन कैसे होता है, बैंक के अंदर है वो खाता कैसे खुलाया जाता है, चाय कैसे तैयार की जाती है, घर के सफेदी या रंग रोगन कैसे किया जाता है, ये जो सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रोसेस के अंदर आते हैं। इसके अंदर है वो हमें बात बतानी होती है, स्टेप बाय स्टेप बतानी होती है कि हमें पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही आज एक हम टॉपिक ले रहे हैं और ये टॉपिक है हाउ टू यूज ATM। देखिए कि ATM का यूज है उसको कैसे किया जाता है, ATM का यूज कैसे किया जाता है, इसको लेकर के हमारे पास में ये जो टॉपिक है और इसको है वो हम पढ़ रहे हैं। समझिए आप, इंसर्ट द ATM कार्ड इन द स्लॉट इंडिकेटेड ऑन द मशीन। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमारे पास में जो ATM कार्ड होता है उस ATM कार्ड को हमें उस ATM मशीन के स्लॉट में है वो डालना होता है, और ये स्लॉट कहाँ होता है, मशीन पे है वो इंडिकेटेड होती है, वहां पर है वो प्रदर्शित होते हैं। उस स्लॉट के अंदर हमें हमारा ATM कार्ड को डालना होता है। इंसर्ट का मतलब होता है डाल देना। तो पहला जो प्रोसेस है ATM का यूज करना, सबसे पहला जो प्रोसेस है उसमें हमें क्या करना होता है, हमारे पास जो ATM कार्ड होता है उसको उस मशीन के अंदर है वो एक जो स्लॉट होता है, खांचा कह सकते हैं, स्लॉट का मतलब जिसके अंदर है हमें ये डालना होता है। उसके बाद देखिए हमें क्या करना होता है, टेक इट आउट इफ द मशीन अलाउज, अदरवाइज वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन। अब जब हम स्लॉट के अंदर अपना ATM कार्ड डालेंगे तब क्या, देखो टेक इट आउट तब हमें क्या करना होता है, बाहर निकाल देना होता है इसको वापस। इफ द मशीन अलाउज, अगर मशीन इसको अलाउ कर लेती है, मशीन अगर इसको है वो स्वीकार कर लेती है तो फिर हमें इसको बाहर निकाल देना चाहिए, और कभी कभी है वो मशीन उस समय इसको अलाउ नहीं करती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए थोड़ी देर के लिए हमें वो वेट करना पड़ता है। अदरवाइज अनिता हमें क्या करना होगा, वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन के पूरे होने के तब तक के लिए हमें थोड़ा वेट करना होता है। देखिए बच्चों इसके बाद में क्या प्रोसेस है, सेलेक्ट द लैंग्वेज इन विच यू वॉन्ट टू इंटरेक्ट। अब इसके बाद में हमारे पास में क्या आता है, लैंग्वेज है उसको सेलेक्ट करनी होती है, स्क्रीन पे है वो आ जाती है, लैंग्वेज आ जाती है कि हमें कौन सी लैंग्वेज के अंदर है वो हमारा ट्रांजेक्शन है उसको कंप्लीट करना है। तो अब हमें सेलेक्ट क्या करनी होती है, हमारी है वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है जिस लैंग्वेज के अंदर हम सारा का सारा ये जो ट्रांजेक्शन है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। बच्चों उसके बाद में क्या करना होता है, जब हम हमारी लैंग्वेज को चूज कर लेते हैं फिर हमारे सामने है वो क्या चीज आती है, एंटर द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन व्हेन ATM प्रमोट्स। देखिए बच्चों उसके बाद में हमें क्या करना होता है, उसके अंदर है वो हमारे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डालने होते हैं जिसको शॉर्ट में कहते हैं पिन नंबर, जो एक प्रकार के हमारे पास जो हमें वो दिए हुए होते हैं, इशू होते हैं, वो हमें वहां पर है वो एंटर करने होते हैं। व्हेन ATM प्रॉम्प्ट्स यानी जब ऐसा ATM है वो हमें कहता है। व्हेन द पिन इज टाइप्ड द ATM प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन एंड गाइड्स यू फॉर कंडक्टिंग ट्रांजेक्शन।
और जब हम ऐसा काम कर देते हैं यानी हमारा पिन नंबर है वो उसके अंदर टाइप कर देते हैं, पिन नंबर डाल देते हैं, तब क्या होता है, देखिए द एटीएम प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन, तब जो ये एटीएम है वो अपने इंफॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है एंड गाइड्स यू फॉर कंडक्टिंग ट्रांजेक्शन, और आपको अपने ट्रांजेक्शन करने के लिए गाइड भी करता है, आपको दिशा निर्देशित करता है कि अब आपको क्या करना है, यानी अब आपका जो है वो एटीएम के साथ में तुम्हारा ट्रांजेक्शन है वो स्टार्ट हो गया है। देन ऑप्शंस अपीयर ऑन द स्क्रीन, उसके बाद में क्या होता है कि हमारे सामने जो स्क्रीन जो होती है उसके ऊपर है हमें वो ऑप्शंस दिखने लगते हैं, वहां पर ऑप्शन है वो हमें नजर आते हैं, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन अमंगस्ट फास्ट कैश विथड्रॉ पिन चेंज मिनी स्टेटमेंट विच सर्व योर पर्पज। अब देखो जो हमारे सामने जो स्क्रीन पर जो ऑप्शन दिए हुए होते हैं उस ऑप्शन में से हमें वो एक ऑप्शन चुनना होता है, देखिए चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, अब हमें वो सही ऑप्शन चुनना होता है, इतने सारे ऑप्शन होते हैं हमें करना क्या है, एटीएम से हमें पैसे निकालना है या हमारा जो पिन नंबर है उसको हमें चेंज करना है या फिर हमें सिर्फ हमारा मिनी स्टेटमेंट ही निकालना है, तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं वो हमें वो स्क्रीन पर ऑप्शन के रूप में हमारे सम्मुख होती हैं, तो वहां पर हमें क्या करना होता है, एक एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना होता है, और ये जो ऑप्शन होते हैं या तो हमें क्या करना होता है फास्ट कैश निकालना होता है, विड्रॉ करना होता है, या पिन चेंज होता है, या मिनी स्टेटमेंट। उसके बाद देखो लिखा है When you are done, please collect the card if you have not been able to do it earlier. उसके बाद में ये हमें कहता है कि अगर हमारा ये जो सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर हमें क्या करना होता है, हमारे इस कार्ड को हमें वापस ले लेना होता है। Keep your ATM card safe for using next time. और उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमारा जो ये ATM कार्ड हमारे पास में होता है उसको हमें हमारे पास में सेफ रखना होता है ताकि हम क्या कर सकें, नेक्स्ट टाइम में भी उसका यूज कर सकें। तो बच्चों इस प्रकार से है वो हमें एक जो प्रोसेस के रूप में कोई टॉपिक दिया हुआ होता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में तो उसको हमें लिखना होता है। देखिए बच्चों अब हमें फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझते हैं। टॉपिक है हमारे पास में प्लेजर ऑफ मॉर्निंग वॉक, यानी मॉर्निंग वॉक का जो प्लेजर जो हमें मिलता है, जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, यानी मॉर्निंग वॉक के कौन कौन से बेनिफिट हैं, बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक लिख सकते हैं हम, या एडवांटेजेस ऑफ मॉर्निंग वॉक यानी प्रातःकालीन भ्रमण के जो लाभ हमें जो मिलते हैं, ये हमारे पास में टॉपिक है और इसके ऊपर हमें वो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देना है। देखिए बच्चों मॉर्निंग वॉक है सो मैनी एडवांटेजेस, यानी मॉर्निंग वॉक है वो बहुत सारे है वो हमें लाभ मिलते हैं, एडवांटेजेस का मतलब होता है लाभ मीन्स बेनिफिट्स, तो मॉर्निंग वॉक अगर हम करते हैं तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। इट इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर आवर हेल्थ, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी जो कही जाने वाली एक प्रकार की एक्सरसाइज है, सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया जो व्यायाम है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए वो मॉर्निंग वॉक है। इट कीप्स आवर माइंड फ्रेश एंड फिट, और जब हम ऐसा करते हैं प्रातःकालीन जब हम भ्रमण करते हैं तो इससे हमारा माइंड फ्रेश रहता है और इसके साथ साथ में ये फिट भी रहता है। इट इंक्रीजेस आवर एफिशिएंसी ऑफ डूइंग आवर वर्क कंटिन्यूसली थ्रू आउट द डे। बच्चों देखिए जब सुबह सुबह हम भ्रमण करते हैं हमारा माइंड एकदम है वो फ्रेश रहता है और फिर पूरा जो दिन भर है वो हमें तरोताजगी मिली हुई रहती है, हमें काफ़ी एनर्जी मिली हुई रहती है और इससे क्या होता है कि हमारे जो काम करने की जो एफिशिएंसी वर्किंग एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। बच्चों एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य कुशलता, काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम कहेंगे एफिशिएंसी, हमारी जो काम करने की जो कैपेसिटी है वो इससे क्या है बढ़ जाती है और वो कंटिन्यू रहती हैं। कब तक, थ्रू आउट द डे का मतलब होता है पूरे दिन भर है वो कंटिन्यू रहती हैं, हम थकते नहीं हैं। इट आल्सो कीप्स सो मैनी डिजीज अवे, और बच्चों इसके साथ साथ में और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, और जब हम प्रातःकालीन भ्रमण करते हैं तो इससे बहुत सारी बीमारियां हैं वो भी दूर रहती हैं।
कीप अवे का मतलब होता है दूर रहना या दूर रखना। डॉक्टर्स ऑफन एडवाइज देयर पेशेंट्स मोस्टली द ओल्ड वंस टू टेक मॉर्निंग वॉक रेगुलरली। बच्चों जो डॉक्टर्स लोग होते हैं वो भी हमें इस प्रकार की सलाह देते हैं कि हमें वो मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, और स्पेशली उन लोगों को कहते हैं जो एज में ज्यादा है। तो देखिए डॉक्टर्स ऑफन एडवाइज देयर पेशेंट्स, जो डॉक्टर्स लोग हैं वो अक्सर अपने मरीजों को इस प्रकार की सलाह देते हैं, और मोस्टली द ओल्ड वंस, और इसमें भी जो सबसे ज्यादा जो है वो उन वृद्ध लोगों को कहते हैं कि टू टेक मॉर्निंग वॉक रेगुलरली, कि वो नियमित रूप से हैं वो मॉर्निंग वॉक करते रहें। एयर देयर इज लिटिल पॉल्यूशन इन द मॉर्निंग। देखिए बच्चों जैसा कि मॉर्निंग के समय है वो बहुत ही कम पॉल्यूशन होता है, यानी वहाँ सुबह की जो हवा होती है वो एकदम ताजी होती है और किसी भी प्रकार का हमें वहाँ प्रदूषण देखने को नहीं मिलता है। वी कैन ब्रीथ प्योर ऑक्सीजन इन टू अवर लंग्स, और तब हमें लेने के लिए वो एकदम शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इन टू अवर लंग्स का मतलब होता है फेफड़े, जिससे फेफड़े मजबूत बनते हैं, शक्तिशाली बनते हैं। इन द मॉर्निंग एनवायरमेंट इज कॉम, और क्या फायदा होता है कि सुबह सुबह जो होता है वो एनवायरमेंट वो भी एकदम शांत होता है, किसी भी प्रकार का उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलता है। वी एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर एट दिस टाइम, और इस वक्त है वो हम इस प्रकृति की जो सुंदरता है उसका भी है वो हम आनंद लेते हैं। एंजॉय का मतलब आनंद लेना होता है, और ब्यूटी ऑफ नेचर का मतलब होता है इस प्रकृति का जो सौंदर्य है उसका हम आनंद लेते हैं। इट इज ए टॉनिक फॉर बॉडी एंड माइंड, और ये एक प्रकार का हमारी बॉडी और माइंड के लिए है वो एक प्रकार का टॉनिक का काम करता है, एक प्रकार की दवाई के जैसा ही काम करता है। इट कॉस्ट नथिंग बट गिव्स अस द वेल्थ ऑफ हेल्थ, इसकी कीमत तो कुछ नहीं लगती है लेकिन हमें है वो एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर देती है ये मॉर्निंग वॉक। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत या लागत आना, जब मॉर्निंग वॉक करते हैं तो इससे हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता है, कुछ चुकाना नहीं पड़ता है, बल्कि इसके फायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सो वी शुड टेक द प्लेजर ऑफ मॉर्निंग वॉक ईच डे, इसलिए हम सभी को क्या करना चाहिए प्रतिदिन है वो इस मॉर्निंग वॉक का वो आनंद लेना चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ में हमारा ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। बहुत सारे आपने वो इसके जो अलग अलग विषय चुन करके हैं आप तैयारी कीजिए, और इसमें फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो कि बहुत ज़्यादा मास है वो कवर करता है, इसकी आप है वो अच्छी प्रकार से वो प्रैक्टिस करें, तैयारी करें हमारे नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक जय हिंद, गुड बाय। Thank you.